If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So, let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So, today in this video, I will discuss one very, very important thing that is about ICS Kolkata. बी एस एम एस एंड इंटीग्रेटेड पी एच डी फॉर्म फिलिंग तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहा था मैसेंजर पे एंड व्हाट्सएप में कि आई एस कोलकाता का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है बी एस एम एस एंड एम एस सी पी एच डी जो इंटीग्रेटेड पी एच डी है उसके लिए तो इसका नोटिफिकेशन आ गया बहुत पहले ही आज फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ आज से तो यहाँ पर देखो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है एडमिशन नोटिस ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू जी पी जी एम एस सी पी एच डी एंड पी एच डी ऑटम सेमस्टर इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ये आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन जो मूविंग लाइन है यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू इंटीग्रेटेड बी एस एंड इंटीग्रेटेड एम एस सी प्रोग्राम आर एक्टिव ओके तो उसके नीचे देखो एक ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो न्यू रजिस्ट्रेशन अभी तक किए नहीं उसके लिए और सेकंड वाला ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट लॉग इन बैकेट में लिखा है फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट मतलब जो पहले रजिस्टर कर लिया जिसने रजिस्टर नहीं किया मैं दिखा देता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पोर्सन को तो ये पेज अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा हंड्रेड परसेंट होने के बाद ये पेज ओपन होगा वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सनस हैं जैसे यहाँ पर लिखा है कि लॉग इन करने के मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हें एक आई डी एंड पासवर्ड भेजा जाएगा जो पासवर्ड तुम तुम्हारा मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड जो ई मेल आई डी तुम यहाँ पर पुट करोगे उसमें भेजा जाएगा उसके बाद वहाँ पर जाकर तुम दूसरे टाइम पर जब लॉग इन करने आओगे तो उसको लॉगिन आई डी पासवर्ड देकर मतलब लॉग इन करना है आईडी पासवर्ड देके उसके बाद तुम्हें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ठीक है एंड उसके नीचे देखो यहां पर तुम्हें डालना है नेम ऑफ द कैंडिडेट यहां पर देखो क्लिक करने के बाद आ रहा है कि प्लीज एंटर यहां पर देखो कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एज द क्लास टेंथ सर्टिफिकेट मतलब क्लास टेंथ सर्टिफिकेट में तुम्हारा जैसा नेम था ऐसे ही यहाँ पर नेम सेम नेम यहाँ पर डालना है उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है उसके नीचे ईमेल एड्रेस तुम जो डाल रहे हो एक्टिव ईमेल एड्रेस उसके नीचे कॉम कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस मतलब जो ईमेल एड्रेस पहले डाल रहे हैं उसको दूसरे बार डालना है उसके बाद मोबाइल नंबर उसके बाद कॉ कॉन्फर्म मोबाइल नंबर मतलब मोबाइल नंबर पहले डालना है उसके बाद दूसरे बार डालना है ये मोबाइल नंबर और ईमेल मेल आई जो डाल रहे हैं वहाँ पर तुम्हारा आई एंड पासवर्ड भेजा जाएगा ए के तरफ से यहाँ पर डिक्लेरेशन है यहाँ पर आई एग्री करके ये जो पोर्शन है इस बॉक्स को टिक करना है एंड उसके नीचे जो कैप्चर कोड है जैसे के थ्री एम फाइव पी सी टी ये जो है कैपिटल स्मॉल देख कर पुट करके देन सबमिट कर देना है उसके बाद तुम्हारा ऑप्शन सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन में रजिस्टर करने के बाद तुम्हारा जब आई पासवर्ड आ जाएगा फिर से जो नीचे वाला न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नीचे जो ऑप्शन है क्लिक है फॉर लॉग इन लॉग इन करते मतलब रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर लॉग इन करना आई डी पासवर्ड डालने के बाद लॉग इन ऑप्शन को क्लिक करना क्लिक करने के बाद देखो ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड ई मेल एंड एस एम एस कॉन्टेनिंग लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ई मेल आई डी प्लीज़ कीप इट सेफ फॉर फर्दर रिफरेंस ओके तो यहाँ पर क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद देखो ये तुम्हारा जो पेज ये ओपन हो जाएगा ये पेज में देखो यहाँ पर जो थ्री डॉट है राइट right साइड में इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडिट तो एडिट को क्लिक करना है मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मोबाइल से कर रहे हो तो ऐसे आएगा फोन से करोगे तो पर एक ऑप्शन रहेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म करके तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करने के बाद ऐसे सेम फीचर्स यहां पर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर देख लो क्या क्या है नोट uh, में लिखा रिकमेंडेशन ब्राउजर टू फिल यहाँ पर जो जो दिया है ये सारे थिंग्स ये कुछ देखने का जो फोटो सिग्नेचर चाहिए इसको तो क्लोज कर देना है उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या डालना है तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स जैसे यहाँ पर मेरा नेम दिया है उसके बाद जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जिसका जो है वो डालना है उसके बाद नेशनलिटी इंडियन ठीक है उसके नीचे है कैटेगरी यहाँ पर देखो पी है कि नहीं अदरवाइज सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पर जाके देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं जनरल ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस जनरल ये सब आ रहा है यहाँ पर पी है कि नहीं ये और नो इसके बेसिस पे तुम कर सकते हो ठीक है इसके बाद फादार्स नेम डालना है मादार्स नेम डालना है जो रेड कलर का स्टार मार्क्ट है वो इंपॉर्टेंट है एंड मैंडेटरी है इसको फिलअप करना ही है ठीक है गार्जियंस नेम यहाँ पर डाल भी सकते हो नेम भी डाल सकते हो अदरवाइज फादर्स का या फिर मदर्स का नाम नेम डाल सकते हो ऑक्युपेंसी ऑफ़ फादर क्या तुम्हारा पापा क्या करते हैं ये डालना है उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर घर का फोन नंबर दे देना रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट फादर या फिर मदर की जो होगा पेरेंट्स या फिर कुछ भी डाल सकते हो उसके बाद परमानेंट एड्रेस तुम्हारा जो एड्रेस यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से डाल देना एड्रेस लाइन वन टू थ्री करके दिया है कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना इंडिया एंड स्टेट सिलेक्ट कर लेना तुम्हारा जो स्टेट है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद टाउन है पिन कोड है ये तुम सबको तुमको आता है ठीक है ये देख देख के कर लेना उसका ऑल्टरनेटिव एड्रेस इफ तुम्हारा परमानेंट एड्रेस हैक मतलब दोनों एड्रेस ही सेम है तुम सपोज कोई स्टूडेंट घर से बाहर पढ़ते हैं तो ऑल्टरनेटिव एड्रेस में डाल सकते हो अदरवाइज घर दूसरे टाइम पर घर का एड्रेस दोनों जगह पर सेम डाल दो ठीक है उसके नीचे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर देखो फोटोग्राफ़ एंड सिग्नेचर का यहाँ पर जो जो नोट दिया है ये पहले पढ़ लेना एक बार उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर क्लिक है टू तो अपलोड करके फाइल चूज करके अपलोड कर देना ठीक है एंड क्लियर फोटो होना चाहिए क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं जस्ट फोटो लो मोबाइल कैमरा से आज अच्छे फोटो खींचो उस फोटो से फ़ोटो खींचो फिर से उसको क्रॉप करो एंड एक पी बना लो और uh, सिग्नेचर का भी सेम सिग्नेचर करो uh, क्लियर व्हाइट पेज पेज पे उसके बाद फोटो खींचो एंड अच्छे से क्रॉप करके अपलोड कर दो ठीक है यहाँ पर साइज मैटर करता है साइज एक बार देख लेना कितना साइज और कितना डायमेंशन ओ पिक्सल साइज देख लेना उसके बाद अदर इन्फार्मेशन में रिक्वायर्ड होस्टल एकोमेंडेशन और नॉट तुम चाहते हो तो ये कर सकते हो नहीं है तो नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते उसके से बाद सेव एंड नेक्स्ट करके दूसरे पोर्सन पे एजुकेशनल डिटेल्स पे चले जाना ठीक है तो एजुकेशनल डिटेल्स पे मैं अभी जाऊंगा तो यहाँ पर देखो ऊपर जो ऑप्शंस है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अभी जो फिलअप किया पर्सनल डिटेल्स है ठीक है उसके बाद एडुकेशन डिटेल्स उसके बाद एग्जाम सिटी एंड पेमेंट तो अभी एडुकेशनल डिटेल्स में पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर कर दोगे तो एडुकेशनल डिटेल्स में पहुंच जाओगे नहीं तो यहां पर मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूं तो एडुकेशनल डिटेल्स में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद देखो यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं चूज वन बिलो ऑफ द मेनशन प्रोग्राम जो बी एस एम जो ट्वेल्थ के बाद अप्लाई कर रहे हो बी एस एम इंटीग्रेटेड एम मतलब पांच साल का बी एस सी एम एक साथ हो जाएगा उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन और जो बी के बाद अप्लाई कर रहे हो एम एंड पी करने के लिए वो सेकंड वाला ऑप्शन इंटीग्रेटेड एम एस ओके उसके बाद यहाँ पर देखो क्लास बोर्ड जो है सिलेक्ट बोर्ड यहाँ पर चूज करना है जब सपोज यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा देखो आंध्र प्रदेश बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड बिहार बोर्ड ये सब कुछ आ रहा है वेस्ट बंगाल से है तो डब्लू बी हो सकता है सी बोर्ड हो सकता है आई बोर्ड हो सकता है ये तुम्हारे बेसिस पर यहाँ पर चूज कर लेना अदरवाइज यहाँ पर सार्च का ऑप्शन भी होता है यहाँ पर देखो नेम ऑफ द स्कूल तुम्हारा तो स्कूल का नेम डालना है यहाँ पर उसके बाद यार्ड ऑफ पासिंग मतलब कौन सा साल में पास किए हो ठीक है क्लास टेंथ का चल रहा है ये सपोज मेरा था 2014 तो 2014 डाल दूंगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मार्क्स ऑफ्टेंट इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो साइंस क्लास टेंथ में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस और आ, आ, केमिकल साइंस जो था वहाँ पर मार्क्स ऑपडेंट इन साइंस तो यहाँ पर तीनों के डाल सकते हो ठीक है उसके बाद फुल मार्क्स यहाँ पर डाल सकते हो फिजिक्स क्लास टेंथ में तो शायद फिजिकल साइंस था बायोलॉजिकल uh, साइंस था पर मैथमेटिक्स का पोर्सन नहीं मतलब मेंशन नहीं है तो तुम फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल uh, जो बायोलॉजी था वो डाल सकते हो ठीक है एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर मतलब दो, दोनों के लिए दो होगा तो तीन तीन होगा तो तीन तीन सौ होगा इसके बेसिस पे डाल सकते हो तो मार्क्स ऑफ परसेंटेज पार्सेंटेज कैसे निकलते है? पता है नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स इंटू हंड्रेड ओके उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स भी सेम फुल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स सपोज तुम्हें नाइनटी मिला तो फर्स्ट जो मार्क्स ऑफ इन मैथमेटिक्स नाइनटी डाल दिया फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स उसको हंड्रेड डाल दिया ठीक है तो यहाँ पर परसेंटेज क्या होगा नाइनटी बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड इक्वल टू नाइनटी परसेंट ठीक है एंड यहाँ पर देखो तो जिसका क्लास टेंथ जनरल डब्ल्यू एस सी बोर्ड से है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में फिजिकल साइंस था तो फिजिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मतलब फिजिकल साइंस जो था फिजिकल साइंस उसका नंबर एंड बायोलॉजी जो लाइफ साइंस था उसका नंबर यहाँ पर डाल देना फुल मार्क्स में टू सब्जेक्ट है तो दो सौ के अंदर होगा तो टोटल ऑप्टेन मार्क्स बाई टोटल मार्क्स इंटू हंड्रेड करके फिलअप कर देना उसके बाद यहाँ पर देखो एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स तो यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स तुम्हारा कितना है uh, यहाँ पर मेन्सन नहीं है कि साइंस या फिर आर्ट्स uh, के लिए मतलब टोटल है या फिर क्या बताया नहीं मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट मिला के एग्रीकेट परसेंटेज ठीक है क्लास ट्वेल्व के भी यहाँ पर देखो इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड दो ऑप्शन दिया है क्योंकि यहाँ पर बी भी है एंड एम एस है जो बी है उसका इन प्रोग्रेस रह सकता है तो इन प्रोग्रेस करना और जिसका आ, ब, मतलब कॉम्प्लीट हो गया वो क्या करेगा मतलब जो इन एम एस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बी में ही ड्रॉप करके कर रहे हैं तो कॉम्प्लीटेड करना तो कॉम्पलीटेड करोगे तो यहाँ पर देखो बोर्ड सिलेक्ट बोर्ड करना है डब्ल्यू बी सी एच एस सी या फिर आई सी एस सी सी बी एस सी जो बोर्ड है उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल सेम क्लास टेंथ जैसा ही टेंथ और ट्वेल्थ मिक्स मत कर देना अच्छे से देख के कौन सा पोर्सन में क्या डालना है अच्छे से पढ़ के पढ़ने के बाद फिर अपलोड करना ठीक है ईयर ऑफ पासिंग तुम्हारा कितना साल है जैसे मेरा टू थाउजेंड सिक्सटीन था तुम्हारा जज जितना होगा वो सब्जेक्ट वन यहाँ पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फोर ठीक है चार सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया है देख सकते हो चार सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट वन परसेंटेज सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू मार्क्स ऑफटेन इन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री ये सब कुछ दिया है ठीक तो मतलब है, है तो चार सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ट्वेल्थ के लिए ये चार साइंस का सब्जेक्ट डालना बंगली इंग्लिश ये डालने का कोई जरूरत नहीं चार सब्जेक्ट ठीक है चार सब्जेक्ट मेंशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड का कोर्स हुआ है तो चार सब्जेक्ट साइंस का ही डालना चाहिए उसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑफ पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है उसके बेसिस पर कितना परसेंटेज आए है मार्क्स बाई टोटल मार्क्स इंटू हंड्रेड करके निकाल लेना ठीक है अच्छे से देखकर फिलअप करना ये सारे थिंग्स उसके नीचे है मार्क्स पार्सेंटेज बेस्ट ऑफ थ्री मतलब ये जो फिजिक्स सेमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी दे रहे हो उसमें से तीन जो तीन सब्जेक्ट का हाइस्ट मार्क्स है ठीक है. है वो तीनों मार्क्स का एक साथ करके डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके पार्सेंटेज बूट करना मतलब टोटल बेस्ट ऑफ थ्री का पार्ट मार्क्स यहाँ पर डालना है लेकिन क्लास टेंथ में था एग्रीगेट पार्सेंटेज मतलब सबका ठीक है और इसके नीति एग्रगे यहाँ पर एग्रीगेट भी है एग्रीगेट मार्क्स पार्सेंटेज दिया है तो यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज में क्या डालना है ट्वेल्थ में तुम्हारा जो एग्रीगेट परसेंटेज था ठीक है उसके बाद बैचलर डिटेल्स में इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड जिसका इन प्रोग्रेस है इन प्रोग्रेस डाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर रिजल्ट डालने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा इन प्रोग्रेस करोगे ट्वेल्थ भी इन प्रोग्रेस करोगे तो मतलब चल रहा है भाई रनिंग एपियरिंग तो क्या होगा कि कुछ रिजल्ट पुट करने का जगह नहीं रहेगा कॉम्पलीटेड कर दोगे तो यहाँ पर देखो रिजल्ट पुट करने का प्लेस आ जाएगा शायद ठीक है तो कुछ भी कर सकते हो तुम्हारा जैसा है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी नेम ऑफ द कॉलेज ये जो होगा डिसिप्लिन मतलब एम केमिस्ट्री सीमिस्ट्री बी एस केमिस्ट्री बी फिजिक्स बी एस सी मैथमेटिक्स जो है ठीक है उसके बाद यार पासिंग जरा जैसे मेरा टू थाउंड नाइनटीन था कि टू थाउजेंड ट्वेंटी होगा किसका टू थाउंड होगा ठीक है आ, तो ट्वेंटी होगा मतलब इन प्रोग्रेस डालना है ठीक है जो इस साल कर रहे करेगा मतलब करने के बाद ही ज्वाइन करेगा उसके लिए इन प्रोग्रेस उसके बाद मार्क्स इन बैचलर डिग्री जिसका जितना मार्क्स है कॉम्पीटेड है तो पूरा मार्क्स है तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स हंड्रेड परसेंट करके परसेंटेज जिसका मार्क्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ सॉरी बी एस सी कंप्लीट नहीं हुआ या फिर ट्वेल्थ कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए जितना तक मार्क्स है वही अपलोड कर दो सपोज सेकंड ईयर तक रिजल्ट है तो रिजल्ट सेकंड ईयर तक ही अपलोड कर दो ठीक है यहां पर सीजीपीए को परसेंटेज के वाइज यहां पर फिलअप करना है ठीक है मतलब यहाँ पर दिया है फॉर ग्रेड पॉइंट सी जी पी एंटर इक्वीव मार्क्स परसेंटेज एज पर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कन्वर्सन रूल्स मतलब जो पर्टिकुलर मार्क्सशीटीट में देखना कि सी जी पी से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे कन्वर्ट करके मतलब फिलअप करना है जैसे वर्धमान यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सपोज तुम्हारा सिक्स पॉइंट फाइव सी जी पीए है तो क्या होगा सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन माइनस फाइव मतलब सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन सिक्सटी फाइव माइनस फाइव मतलब सिक्सटी परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव मीन्स सिक्सटी परसेंट ओके एंड कैंडिडेट इन फाइनल ईयर हुज रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड सेल इंटर परसेंटेज ऑफ डेट टिल लास्ट सेमिस्टर मतलब जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया जितना तक तुम्हारा रिजल्ट है वही अपलोड कर दो ठीक है चॉइस ऑफ स्कूल यहाँ पर बहुत सारा स्कूल है जैसे मेटेरियल स्कूल फिजिकल स्कूल यहाँ पर देख सकते हो मेटेरियल स्कूल यहाँ पर देखो मेटेरियल आ, केमिकल फिजिकल ठीक है तो देखो जो केमिकल बैकग्राउंड से मैं बता देता हूँ जो केमिकल बैकग्राउंड से है केमिस्ट्री बैकग्राउंड से तो फर्स्ट स्कूल केमिकल साइंस लिख लेना ये सेकंड स्कूल चॉइस करना मेटेरियल साइंस या फिर इंटर डिसिप्लिनरी जिसको जो चाहिए एंड थर्ड स्कूल इंटर इंटर डिसिप्लिनरी और फिजिकल साइंस तो फर्स्ट स्कूल केमिकल साइंस सेकेंड करेगा मेटेरियल थर्ड करेगा इंटर डिसिप्लिनरी या फिर फिजिकल फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट स्कूल होगा फिजिकल साइंस उसके बाद होगा मेटेरियल साइंस उसके बाद होगा इंटर डिसिप्लिनरी साइंस मैथमेटिकल स्टूडेंट के लिए होगा मैथमेटिकल साइंस एंड कॉम्प्यूटेशनल जो स्कूल है फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस होगा फिजिकल मेटेरियल साइंस उसके बाद थियोटिकल uh, रहेगा तो थियोरेटिकल साइंस ओके ये सारे करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना ठीक है तो यहाँ पर सेकंड तक हो गया थर्ड वाला है एग्जाम सिटी एंड पेमेंट यहाँ पर जाता हूँ तो थर्ड पोर्चन में है एग्जाम सिटी एंड चौ प्रेफरेंस पेमेंट तो एग्जाम सिटी में देखो यहाँ पर कोलकाता वर्धमान ये जो जो कोलकाता है सारे स्टेट का एक एक uh, ये सेंटर है ठीक है तो तुम्हारा जो स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल से हो तो कोलकाता चूज कर सकते हो टी सी एस की तो भी में एग्जाम होता है अदरवाइज़ uh, आप uh, जो उड़ीसा से हो तो भुवनेश्वर सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे जो जो सिटीज़ है जो जो स्टेट से है उसको फास्ट पेफरेंस में पे रखो उसमें ही हो जाएगा और पिछले साल तो कोविड के लिए एग्जाम uh, सेंटर में एग्जाम नहीं हुआ था घर से बैठ के वर्चुअली एग्ज़ाम हुआ था तो वो भी हो सकता है अभी कुछ नहीं आया ठीक है यहाँ पर एप्लीकेबल अमाउंट यहाँ पर फी अमाउंट वहाँ पर करना है यहाँ पर कैप्चिट कोड डाल के सबमिट कर देना है ठीक है तो पेमेंट क्या करना है पेमेंट आई थिंक ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ के आसपास है तो वो पेमेंट करके एप सबमिट कर देना है सो so, सारे डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करने के बाद पेमेंट करना है पेमेंट करके आ, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा मतलब कितना पैसा पेमेंट करना होगा वहाँ पर दिखा देगा तो पेमेंट तुम ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड दैट कैन हेल्प फॉर फ्रेंड्स ऑल्स एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट ऑलो सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आई विल हेल्प यू वेन एवर आई गेट टाइम सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो